एडेनॉइड सर्जरी। एडेनॉइडेक्टमी उस ऑपरेशन को कहते हैं जब हम नाक के पीछे एक ग्लैंड को निकालते हैं। एडेनॉइड वो ग्लैंड या टिश्यू है जो आपके नाक के पीछे रहता है और उसका काम होता है इम्यूनिटी। खासकर बच्चों में ये बड़ा होता है और जब बड़ा होता है इसके लक्षण होते हैं नाक से सांस लेने में तकलीफ, खराटे आना और कभी कभी कान में इन्फेक्शन। जब ये एडेनॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं कि एडेनॉइड्स को निकालें। ज़्यादातर एडेनॉइडेक्टमी सर्जरी बच्चों में होती है और इस इंडिकेशन पे होती है कि नाक से सांस नहीं लिया जा रहा, रात को स्नोरिंग होती है और फ्रीक्वेंटली ईयर इन्फेक्शन होती है। एडेनॉइड सर्जरी फेयरली सिंपल सर्जरी है लेकिन जनरल एनेस्थीजिया में करनी पड़ती है। एडेनॉइड निकालने के लिए हम बच्चे का मुँह खोलते हैं, मुँह खोल के उसमें एक टंग डिप्रेसर एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। एक बार बच्चे का मुँह खुल जाता है तो हम पीछे से ही उस एडेनॉइड टिश्यू को निकालते हैं, ना बाहर से कोई निशान आता है ना बाहर कोई इंसिशन होती है। एडेनॉइड दो तीन अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पुराना तरीका है एडेनॉइडेक्टमी रूटीन। सबसे पुराना तरीका है जो रूटीन एडेनॉइडेक्टमी होती है, जिसमें हम एडेनॉइड क्यूरेट और केज डालते हैं और एडेनॉइड को निकाल के पूरा का पूरा नेजोफेरिंक्स जो वो एरिया है उसको साफ कर देते हैं। नई टेक्निक में हम एंडोस्कोप के ज़रिए एडेनॉइड को विजुलाइज करते हैं और कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जैसे कि कोबलेशन। कोबलेशन असिस्टेड एडेनॉइड सर्जरी में एक तो प्रिसिशन होती है, दूसरा पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी अच्छी होती है और तीसरा ब्लीडिंग कम होती है। एडेनॉइड सर्जरी ज़्यादातर एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव सर्जरी है। प्रॉपरली इंडिकेटेड केसेस में एडेनॉइड सर्जरी के बाद बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिलता है और वो ठीक तरह से सांस ले पाते हैं।